वोट? मसला ये है कि काम ज्यादातर कराची में तभी होता है जब जो है इलेक्शन का टाइम आता है, वोटिंग का टाइम आता है, लेकिन कराची का कोई पुरसाने हाल है नहीं। जब मतलब जब से एमक्यूएम भी थी तब भी कराची का हाल खराब ही था, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा ही खराब हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए आबादी के लिहाज से ना मतलब रकबा वही है और लोग इतने ज्यादा कराची में आ चुके हैं। आपको लग रहा है यहाँ इल्लीगल पोर्शंस भी बहुत ज्यादा हो गए, उसी की वजह से पानी बिजली गैस के मसाइल हैं। जब पानी लोग वही हैं, लोग ज्यादा हो गए, इलाका वही है, पानी वही है, तो फिर क्या होता है कि बोरिंग करवा रहे हैं हर एरिया में, हर हर घर में बोरिंग हुई है, फिर भी पानी नहीं मौजूद। वालेकुम सलाम, क्या करते हैं अंकल आप? मैं पाकिस्तान स्टील में काम करता था, अभी रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद बंदा सोचता है बड़े सुकून से लाइफ गुजारे, सुकून है? सुकून गली के हवाले से, मोहल्ले के हवाले से तो नहीं है, समझा ना, ये गली बड़ा। तो कोई मोहल्ला कमेटी या कोई इस तरह की नहीं है कि आप यूनियन गए हो यहाँ पे या कहीं गए हो? यूनियन का जो है कुछ, जब मुत्तहिदा के दौर थे तो वहाँ ऑफिसेज वगैरह खुले रहते थे और वो सुन लिया करते थे दादरसी और जमादार वगैरह को भेज दिया करते थे। अब जो है तो यूनियन ऑफिस ही बंद रहते हैं अमूमन, और फिर अगर काम के सिलसिले में बात की जाए तो बस अपनी मदद आपके तहत पैसे खर्चा करते रहें, बोरिंग की मोटरें सही कराते रहें, पानी का बड़ा शिद्दत के साथ, पानी पीटीआई के दौर में पानी की लाइनें डाली गई लेकिन इस गली को मुसलसल नज़रअंदाज कर दिया गया। पूरे बलोचगोट में सड़कें पड़ी बनी लेकिन इस गली को सड़कों से भी महरूम रखा गया। सेवरेज लाइन भी इसके लिए पाइप वगैरह आए 15 इंच के, सुनते रहे। तो आपको क्या लगता है क्या वजह थी जो इस गली के साथ सौतेलों जैसा सुलूक किया गया? बस यहाँ पे कुछ मुत्तहिदा के छाने वाले 2-4 ज़्यादा रहते थे तो उसकी वजह से बस जो भी आता था मुत्तहिदा के अगेंस्ट में वो यही कहता था इस गली को यार देख लेंगे बाद में।